हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, कौन सा टॉपिक है? स्टॉक एक्सचेंज। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि जो पहले से ही हमारे मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड हैं उनका सील और परचेज किया जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा कि आप अपने न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE है, निफ्टी है, इनके नाम सुने होंगे कि ये हमारा अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर जिस मार्केट के थ्रू हम अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करते हैं। अब हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शन है। ओके, बेसिकली देयर आर द सिक्स फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। क्या मतलब है इसका कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी मीन्स लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड मतलब क्या कि स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट जो है वो प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए, उनके सेल और परचेज के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज? मतलब स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है, क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है सिक्योरिटीज के प्राइस डिसाइड करने में। कैसे डिसाइड करने में हेल्प करता है? मार्केट में दो फोर्स होती हैं, आपको पता है ना कौन सी दो फोर्स होती हैं? हाँ जी, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ऐसी दो फोर्स हैं जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का और सिक्योरिटीज का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? प्राइस सिक्योरिटीज के प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। ओके, हमारे कितने फंक्शन हो गए? दो फंक्शन हो गए। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकेंड फंक्शन इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, थर्ड फंक्शन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन की सेफ्टी को? स्टॉक एक्सचेंज एक हमारा वेल रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है और जिसकी डीलिंग्स जो है वेल डिफाइंड है और जो डीलिंग्स हैं वो सब की सब लीगल फ्रेमवर्क में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो इन्वेस्टमेंट को ये सेफ एंड फेयर डील जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स की ट्रांजेक्शन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, फोर्थ फंक्शन इज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मींस स्टॉक एक्सचेंज का एक कंट्रीब्यूशन भी है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके, मींस कैसे? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, मैंने आपके उसके मीनिंग में भी बताया था स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है। हाँ जी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की सेल और परचेज की जाती है। सेल और परचेज का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट मतलब सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। तो जिससे क्या होता है, पीपल की सेविंग्स। हाँ जी, क्या चीज? सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूजेस में चैनलाइज किया जाता है। अब जैसे ही किसी भी इकोनॉमी की सेविंग्स को प्रोडक्टिव यूजेस में चैनलाइज किया जाता है तो उस इकोनॉमी के रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होते हैं जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज व्हाट स्टॉक एक्सचेंज
स्प्रेड द इक्विटी कल्ट, मतलब इक्विटी कल्चर स्प्रेड करता है स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, इक्विटी कल्चर मतलब आपको पता होगा इक्विटी क्या होता है, शेयर ओनरशिप, मींस काइंड ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड करता है, कैसे ओनरशिप प्रोवाइड करता है, फॉर बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यू एंड बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में न्यू इशू किए जाते हैं और जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रेगुलेट करते हुए ओनरशिप को एंश्योर करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हमारा फंक्शन क्या है ये, अभी जो हमने रीड किया है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। ओके, एंड सिक्स एंड लास्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। मतलब क्या कि स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए भी स्कोप को प्रोवाइड करता है। हाँ जी, कैसी प्रोवाइड करता है, विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ के प्रोविजन में रहते हुए स्टॉक एक्सचेंज सफिशियंट स्कोप प्रोवाइड करता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए। राइट, मतलब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी जो होती हैं शेयर्स के रिगार्डिंग, वो एक रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल्ड मैनर में की जाती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है। ओके, तो हमने स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस कितने किए, सिक्स फंक्शंस किए हमने। मैं रिपीट कर देती हूँ शॉर्टली, व्हाट फर्स्ट फंक्शन इज ना, व्हाट इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी एंड व्हाट मार्केटेबिलिटी, एंड सेकंड इट डिसाइड और इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, एंड थर्ड पॉइंट वाज द इट प्रोवाइड्स द सेफ्टी, इट प्रोवाइड्स द सेफ्टी फॉर द ट्रांजेक्शंस, and fourth is it provides the contribution in economic growth, and fifth was it spreads the economic equity cult, and last one is the sixth function is it provides the scope for speculative activities. Okay students, these are the six function basically which are done by the stock exchange. Okay students, thank you for watching my video, and I would like to say, please, if you like my video, please share my video, like my video, and subscribe my channel also. Thank you so much.